नमस्कार दोस्तों, तो टेक्निकल बीएलपी चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग की दोनों फ़ोन के बीच में कंपैरिजन। दोनों ही फ़ोन जे सीरीज़ का है, जे सेवन सीरीज़ का, जे सेवन डुओ और जे सेवन प्लस। जे सेवन डुओ कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है 11 अप्रैल को इंडिया में, और जे सेवन प्लस इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, बाहर के कंट्री में लॉन्च हुआ है। तो आज हम लोग देखते हैं कौन सा फ़ोन अच्छा है, कौन सा प्राइस सेगमेंट में कौन सा फ़ोन अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो पहले हम लोग बात करते हैं डिस्प्ले का। सैमसंग गैलेक्सी जे सेवन डुओ में मिलता है 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ 70p एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो एक HD डिस्प्ले है। और जे सेवन प्लस में मिलता है 180p वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले है वो भी, और एक फुल HD डिस्प्ले मिलता है हम लोगों को। तो डिस्प्ले के मामले में सैमसंग गैलेक्सी जे सेवन प्लस थोड़ा सा अच्छा है जे सेवन डुओ से। अब बात करते हैं प्राइस की। तो दोनों फ़ोन के प्राइस है, जे सेवन डुओ है 16,990 रुपये और लगभग 17,000 रुपये, और जे सेवन प्लस है 22,000 रुपये। तो 5,000 रुपये का अप डाउन है दोनों फ़ोन के बीच में। तो देखते हैं 5,000 रुपये प्लस दे के हम लोग जे सेवन प्लस लेना अच्छा होगा या नहीं। और कैमरा कंपैरिजन के बारे में बोले तो जे सेवन प्लस में मिलता है 13MP और 5MP रियर की तरफ, 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल रियर की तरफ मिलता है कैमरा, डुअल कैमरा OVF 1.9 अपर्चर के साथ। दोनों का ही अपर्चर है F1.9। तो और जे सेवन प्लस में मिलता है 13+5 मेगापिक्सल का कैमरा, जो 13 प्राइमरी कैमरा जो है उसका अपर्चर है F1.7, और 5 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उनका अपर्चर है उसका अपर्चर है F1.9। तो यह पे भी रियर कैमरा के बात में सैमसंग गैलेक्सी जे सेवन प्लस थोड़ा अच्छा है, अपर्चर थोड़ा सा अच्छा है जे सेवन डुओ से। तो अब बात करते हैं जे सेवन डुओ की फ्रंट कैमरा की। जे सेवन डुओ में फ्रंट कैमरा मिलता है 8 मेगापिक्सल का, वो भी आता है 1.9 अपर्चर के साथ, F1.9 अपर्चर, और फ्रंट में LED फ्लैश मिलता है हम लोगों को। और जे सेवन प्लस में भी मिलता है सेम कैमरा 16MP का कैमरा मिलता है हम लोगों को, वो है 1.9 F1.9 अपर्चर के साथ हम लोगों को मिलता है। हम लोगों को तो नहीं मिलता है, वो बाहर के कंट्री में मिलता है। तो अब बात करते हैं बैटरी की। दोनों ही फ़ोन में 3000mAh का बैटरी मिलता है, जे सेवन डुओ में भी और जे सेवन प्लस में भी। तो इस बार हम बोले तो बॉडी के मोबाइल का जो बॉडी है उसका, सैमसंग गैलेक्सी जे सेवन डुओ में प्लास्टिक बॉडी के साथ मार्केट में आया है ये फ़ोन, और जे सेवन प्लस है मेटल यूनी बॉडी के साथ बाहर की कंट्री में लॉन्च हुआ है। तो बॉडी के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है जे सेवन प्लस से जे सेवन डुओ, तो थोड़ा सा अलग लग रहा है दोनों फ़ोन के बीच में कंपैरिजन। और इस पर बात करें तो चिपसेट का, यहाँ पे हम लोगों को मिलता है जे सेवन डुओ में एक्जीनोस का 7885 चिपसेट, और बाहर के कंट्री में जो लोग यूज़ करते हैं जे सेवन प्लस उन लोगों को मिलता है मीडियाटेक का हेलियो P20 चिपसेट। तो चिपसेट के मामला में सैमसंग गैलेक्सी जे सेवन डुओ थोड़ा सा अच्छा है जे सेवन प्लस से। एक्जीनोस का चिपसेट इंडिया में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम करता है ये चिपसेट। तो हम लोग देखा ही है आगे के फ़ोन में जे सेवन प्रो, जे सेवन प्राइम, बहुत अच्छा काम किया एक्जीनोस का 7880 चिपसेट जो था, वो भी अच्छा चिपसेट था एक। अब 85 चिपसेट आ गया, वो भी बहुत अच्छा चिपसेट है, जो कुछ दिन पहले जनवरी के अंदर जो सैमसंग ने 8 प्लस फ़ोन रिलीज़ किया था उसमें यूज़ किया था 7885 चिपसेट। और जे सेवन डुओ में भी सेम चिपसेट मिलता है एक्जीनोस का 7885 चिपसेट। तो अब बात करते हैं रैम और इंटरनल स्टोरेज की। दोनों ही फ़ोन में सेम रैम और इंटरनल स्टोरेज रखा है सैमसंग ने, 4GB का रैम और 32GB का इंटरनल स्टोरेज। तो यहाँ पे तो सेम है दोनों ही फ़ोन का रैम और इंटरनल स्टोरेज, जिसको हम माइक्रो SD कार्ड लगाकर बढ़ा सकते हैं। तो ये था ये दोनों फ़ोन के बीच में कंपैरिजन, स्पेसिफिकेशन कंपैरिजन। तो एक फ़ोन आता है 22,000 रुपये, लगभग 22,000 रुपये, और एक फ़ोन आता है 17,000 रुपये में, 5,000 रुपये की अप डाउन है दोनों फ़ोन के बीच में। और एक बात जो है, सैमसंग गैलेक्सी जे सेवन डुओ मार्केट के अंदर आया है एंड्रॉयड ओरियो 8.0 के साथ, और जे सेवन प्लस मार्केट के अंदर कुछ दिन पहले आया था नोवाट के। तो आप ही कमेंट करके बताइए कौन सा फ़ोन अच्छा है, 17,000 रुपये में जे सेवन डुओ या 22,000 रुपये में जे सेवन प्लस।
तो ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग ये वीडियो देख पाए। और हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद वो बेल आइकन को दबा दीजिए तो मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो डालूंगा तो आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप आसानी से वो वीडियो को देख पाओगे। तो आज के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, मिलता हो कुछ ऐसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।